राम राम दोस्तों, हलवाई चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हलवाई चैनल दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए लहसुन सेव। दोस्तों लहसुन सेव कैसे बनाते हैं और उसके अंदर क्या क्या सामग्री आती है वो एकदम परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर 1 किलो बेसन है, ये हीरा बेसन है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर है अजवाइन जो हमने बारीक पीस के ले ली, थोड़ा अजवाइन है 20 ग्राम, 30 ग्राम है नमक। और यहाँ पर है दोस्तों लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सुहाना कंपनी का है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, 5-5 रुपये की पूड़ी मिलती है मार्केट में, ये 2 पूड़ी डालेंगे इसके अंदर। और यहाँ पर आ गई मिर्ची, तो मिर्ची डालेंगे हम इसके अंदर 30 ग्राम। चलते वीडियो शुरू करते हैं और बनाते हैं लहसुन सेव। तो यहाँ पर डाल देंगे हम बेसन, हीरा बेसन है, एकदम बारीक है। अभी डाल देंगे इसके अंदर 30 ग्राम नमक, 10-15 ग्राम अजवाइन पीछा हुआ। तो यहाँ पर डाल देंगे 30 ग्राम मिर्ची पाउडर और अब डालेंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। दोस्तों ये आप घर पे लहसुन और अदरक वो भी ले सकते हो, वो भी यूज़ कर सकते हो, अच्छा बारीक पीस के एकदम। और ये पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, ये भी अच्छा रहता है, लेकिन जो घर का सूटा लेंगे वो अच्छा रहता है और बेहतर रहता है। तो यह इसके अंदर डाल दिया हमने लहसुन अदरक का पेस्ट 2 पैकेट। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी डालेंगे दोस्तों इसके अंदर 400 ग्राम पानी, यानी 1 किलो के अंदर आप 400 ग्राम पानी डाल के आटा लगा के तैयार कर सकते हो। अच्छे से इसकी डो तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 400 ग्राम पानी के अंदर हमारा जो आटा है वो एकदम सेट हो गया है। तो अभी चलते हैं तेल की तरफ और आपको मशीन भर के आटा निकाल के बताएंगे आगे, या सेव निकाल के बताएंगे आगे। तो सेव निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दी है, अभी गैस को कर देंगे ऑन, हमारा गैस ऑन हो गया। अभी इसके अंदर डाल देंगे तेल, पर तेल है, तेल डाल देंगे इसके अंदर। तेल हमारा गर्म हो जाएगा, उसके बाद में आपको सेव निकाल के बताएंगे। बढ़िया एकदम परफेक्ट हलवाई स्टाइल में मिल रही दोस्तों ये वीडियो। तो यहाँ पर है दोस्तों सेव निकालने की मशीन, ये देखिए आप। और यहाँ पर ये जाली है, 1 नंबर जाली है, हम 1 नंबर जाली से निकालेंगे। पहले सबसे पहले जाली है वो अंदर सीधी सेट कर देंगे और उसके बाद में इसकी डो बनाएंगे, इस तरह की डो बना के हम इसके अंदर भर देंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों मशीन के अंदर हमने आटा डाल दिया, अब इसको कर देंगे पैक, ऊपर से पैक कर देंगे। ये देखिए सर तक तेल की तरफ और आपको सेव निकाल के बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों तेल निकालने के लिए हमारा तेल ही वो गर्म हो गया और आप देख सकते हो ये तेल की आवाज़। तभी इसके अंदर निकालेंगे हम सेव, मशीन है इस तरह पकड़ेंगे पाइप और इसको इसी तरह से घुमाते रहेंगे। और यहाँ पर हमारी लाजवाब लहसुन सेव बन रही है, तो इसी तरह पलटे कर देंगे और निकाल देंगे बाहर। ये बहुत झटपट पक जाती है, ये देखिए तेल अच्छे से झटक के निकाल देंगे बाहर। ये देखिए यहाँ पर पूरा निकालेंगे और उसके बाद में आगे आपको बताएंगे। लगेज गैस को फर्स्ट रखने का और लगेज इसके पीछे पीछे पाया लगा देने का। निकालते पूरा और उसके बाद में आगे बताएंगे आपको।
तो यहाँ पर दोस्तों हमारी लहसुन सेव एकदम टोटल पूरी निकल गई है। दोस्तों ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की दोस्तों हलवाई यूट्यूब चैनल पर आपको हर प्रकार की रेसिपी एकदम वजन के साथ मिलती रहेगी। तो यहाँ पर हमारी टोटल सेव निकल गई है, 1 किलो बेसन की लहसुन सेव, और इसका पूरा मेजरमेंट मैं डिस्कशन बॉक्स में लिख के दे दूंगा, तो वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हो। और ये हमारी टोटल लहसुन सेव बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हमारी बहुत शानदार जो लहसुन सेव है वो 1 किलो की बनके रेडी हो गई है, और आप देख सकते हो इसकी खुशबू भी बहुत लाजवाब आती है, और ये परफेक्ट एकदम खुश कुरकुरी बनके रेडी हो गई है। ये देखिए, ये एकदम कुरकुरी सेव बनके रेडी हो गई। अगर इस तरह के आप निकालोगे तो बहुत शानदार आपकी जो सेव है वो बनेगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगली रेसिपी में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, खाते रहे खिलाते रहे, जय हिंद।